जो हमारा सबसे पुराना जो पोस्ट ऑफिस है वो हमारा स्कॉटलैंड में है, और इसके जो चार्जेस होते हैं लेटर डिलीवर करने के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। इसमें हम मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे किसी को पैसों की रिक्वायरमेंट तो घर से मनी ऑर्डर हो जाता है। कुरियर सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आपको कोई सामान भेजना है तो आप वो भी यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पोस्टमैन होता है, वो लेटर कलेक्ट करता है हमारे प्रॉपर पोस्ट ऑफिस, उसके बाद फिर घर घर जाके वो जो लेटर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे हमारे जो मेल्स हैं वो हमारे विद इन कंट्री ट्रांसफर होते हैं बाय द वैन, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन। हमारी जो हमारे लेटर्स हैं वो हमारे काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि पुराने जमाने में जब हमारे पास कोई भी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं होती थी अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने, तो लेटर ही हमारे सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे, जो कि आज भी पॉपुलर है। रेडियो, जैसे कि आपको बताया कि रेडियो जो है वो हमारा वेव्स पे वर्क करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रेवल होती है वो वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेवल होती है। गुग्लिमो मार्कोनी, इन्होंने हमारे रेडियो को इन्वेंट किया था। प्रोग्राम्स जो होते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप देख सकती हैं। यहाँ पे जो चैनल्स के नेम होते हैं वो आप ऐसे सुनते हैं, जैसे 99.9 FM, 98.3 FM। FM का मीन्स क्या है? FM का मीन्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना है तो आपको उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। तो ये अभी आपके लिए थोड़ा सा हाई टेक वर्ड है, जो कि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप उसको स्टडी करेंगे। रेडियो, जैसे रेडियो आप लोगों को पता ही होगा कि पुराने जमाने में हमारा ज्यादा यूज होता था, अभी भी यूज होता है, लेकिन उसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है। रेडियोज पहले हमारे पास इतने ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो किसी पर्टिकुलर इंसान के घर में अगर रेडियो होता था तो उसकी कॉलोनी के या आसपास के सारे लोग आके उस पर रेडियो को सुनते थे, गाने सुनते थे। हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने डिलीवर करवाया है तो वो सुनी जाती थी। तो सब लोग, मतलब एक काफी चार्म और इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट होता था उस टाइम पर, कि सब लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, रेडियो पे इंफॉर्मेशन सुनी जा रही है, एंजॉय किया जा रहा है, तो काफी एक अच्छा एनवायरनमेंट होता। इससे सोशल, हमारे सोशली भी काफी अच्छा लगता था सब लोगों को। लेकिन अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर रेडियो सबके घर पे आने लगे, उसके बाद फिर हमारी टेक्नोलॉजी और आगे इंक्रीज करने लगी। तो अब हमारे यहाँ अभी भी है कुछ जगह पर, जैसे केबल्स अवेलेबल नहीं है, हमारी हाई टेक टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो वहां पर रेडियो आज भी यूज किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़पेपर। जेम्स अगस्ट हिकी, इन्होंने हमारे न्यूज़पेपर को इन्वेंट किया था। न्यूज़पेपर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज होता है। इसमें हमारी मैगजीन्स भी होती हैं, और फॉरनाइट मैगजीन्स भी होती हैं, और मंथली मैगजीन्स भी होती हैं। मैगजीन्स आप लोगों ने, जैसे हमारी रूपाइन मैगजीन्स है, हमारी मेकअप से रिगार्डिंग मैगजीन्स होती है, हमारी स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग होती है, बच्चों से रिगार्डिंग मैगजीन्स होती है, और वो मैगजीन्स हमारे विद इन 15 डेज भी रिलीज होती है, विद इन मंथ भी रिलीज होती है। न्यूज़पेपर रीडिंग बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी चाहिए। और न्यूज़पेपर रीडिंग से हिंदी और इंग्लिश में दोनों की ही बात कर रही हूं, न्यूज़पेपर रीडिंग से अगर आप हिंदी वाला रीड करते हो तो आपकी हिंदी की वोकैबुलरी अच्छी होगी, और अगर आप इंग्लिश वाला रीड करते हो इंग्लिश का वोकैबुलरी, आपका रीडिंग सेक्शन बहुत अच्छा होगा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। आपको पर डे सुबह उठकर डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी चाहिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, आपको अपनी स्टडीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की मेन रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि हम जैसे जैसे मॉडर्न हमारा सोसाइटी जो है सिविलाइज हो रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम कितने सारे पेड़ काटते हैं बुक्स प्रिंटिंग के लिए, हमारे न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए, तो हमारे बहुत सारे पेड़ काटते हैं। पढ़े हमारा न्यूज़पेपर रिलीज होता है तो कितने सारे घरों में जाता है, तो कितने सारे पेड़ काटते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए आजकल ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी रिलीज हो गया, जैसे कि आप अपने फ़ोन में थ्रू द इंटरनेट ही, आपके फोन में एक ऐप होता है, इसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, आप जो भी पेपर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपका जो पेपर है वो ई पेपर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, और उसे आप पेज बाय पेज रीड कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी होता है ये। इसे हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे ट्रीज की जो कटिंग हो रही है हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। टेलीफोन्स जो कि इन्वेंट किया था हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन्स हमारे सेलुलर भी हैं, मोबाइल फोन्स भी हैं।
जैसे कि आपको पता है कि पुराने जमाने में हमारे जो टेलीफोन्स होते थे वो हमारे नंबर वाले होते थे, यहाँ पे नंबर्स होते थे, आप उन नंबर्स को घुमाते थे तब नंबर लगता था। उसके बाद हमारी जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमारे फिर STD, ISD, PCOs, फिर पर्टिकुलर जगह पर हमारे फोन्स आने लगे, वो भी सिर्फ एक ही जगह पर प्लेस्ड होते थे। उसके बाद फिर हमारे छोटे छोटे फोन आने लगे, उसके बाद फिर हमारे एंड्रॉयड फोन आने लगे। तो एक प्रॉपर प्रोसेस रहा है, इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी में। तो जैसे कि आपको पता है एंड्रॉयड फोन्स में अब आजकल सब लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं। एंड्रॉयड फोन में हमारी बहुत सारी एप्स होते हैं, हमारा फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा इंस्टा है, हम उसमें रील बना सकते हैं, हम किसी से वीडियो वी चैट के थ्रू हम किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, फॉरेन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब से हमारा टेलीफोन आया तब से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा ईजी हो गया है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी चीज के फायदे होते हैं तो एज वेल एज उसके नुकसान भी होते हैं। जैसे एडवांटेज है ऐसे उसके डिसएडवांटेज भी है। तो फोन जैसे जैसे हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है वैसे वैसे उसके डिसएडवांटेज भी हमने देखे हैं। जैसे बच्चे आजकल स्टडी से ज्यादा प्रायोरिटी फोन्स को देते हैं, फोन्स में गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स खेलने कभी कभी वो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, स्टडीज नहीं करते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं फेसबुक पर कि कितने कमेंट्स आए हैं, कभी ये पिक अपलोड हो रही है, कभी वो पिक अपलोड हो रही है। तो ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अगर यूज कर रहे हैं तो हमें कितना उसे लिमिटेशंस में यूज करना है, वो हमारे लिए कितना सेफफुल है जितना कि हम उसे यूज करें। तो ये चीज हमें खुद पे इस पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर टैबलेट्स, जैसे कि आपको पता है मोबाइल फोन्स में हमारे मोबाइल फोन का डायरेक्ट वर्जन, जैसे हमारे पास टैबलेट आ गए हैं आप देख सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, तो जो कंप्यूटर में फीचर्स होते हैं सेम हमारे टैबलेट में भी होते हैं, और उससे अगर आप छोटा ले लें तो हमारे मोबाइल फोन्स हो गए, हमारे एंड्रॉयड फोन्स हो गए। तो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशंस, हमारा हाईटेक सोसाइटी हमारी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे। नाउ टेलीविजन जो हमारे इन्वेंट किया था, वो फैंस वॉल्ट ने इन्वेंट किया था। टेलीविजन का जो मेन पर्पज था वो हमारा एंटरटेनमेंट के लिए है, और इसके साथ साथ हम इसे एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी चैनल्स होते हैं, हमारे एंटरटेनिंग चैनल्स होते हैं जो स्पेशली हमारी मम्मा लोग देखती हैं, हमारे न्यूज़ होते हैं जो हमारे स्पेशली दादा, हमारे पापा, हमारे चाचा मोस्टली शाम को बैठ के न्यूज़ सुनते हैं, बच्चों के लिए कार्टून्स हैं, यंगस्टर के लिए सॉन्ग्स हैं। हमारे टीवी में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसे हम पर डे इंजॉय कर सकते हैं। टेलीविजन में हमारे ग्रेजुअली चेंजेस हुए हैं। पहले हमारी छोटी टेलीविजन होती थी, स्मॉल टेलीविजन, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। उसके बाद फिर बड़ी टेलीविजन आ गई, उसके बाद वो कलर भी आने लगी। फिर पहले सिर्फ नेशनल चैनल ही चलता था, लेकिन उसके बाद हमारी डिश टीवी आ गई, और अब तो हमारा और भी अच्छा हो गया। अब तो हमारी सीधे LEDs आ गई हैं, लाइट एमिटिंग डायोड इज द फुल फॉर्म ऑफ द LED। अब आप अपने मतलब जो आप थिएटर में जाते हैं, मूवी हॉल में जाते हैं, तो वो मजा आप घर में भी देख सकते हैं। ट्यूबलाइट बंद करके पॉपकॉर्न खा के अब वो सारा मजा घर में भी ले सकते हैं। तो इसमें टेलीविजन में भी हमारा, जैसे कि कोरोना आया था आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने बच्चों की स्टडी के लिए पर्टिकुलर चैनल चला दिया था जिसके थ्रू बच्चे अपनी एजुकेशन को डिस्टर्ब ना करें और डेली पढ़ाई करें। सेम एज जैसे कि एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बच्चे स्पेशली कार्टून्स में काफी घंटे घंटे तक टीवी बैठ के देखते हैं, पास से देखते हैं, उनकी आईसाइट उससे वीक हो जाती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी टीवी अफेक्ट होती है। कभी कभी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं तो टीवी का कनेक्शन ही निकलवा देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें, जैसे हर चीज का हर चीज के एडवांटेज है, सेम ऐसे उसके डिसएडवांटेज। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम स्टडीज कर रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर टाइम टेबल है, तो हम उसे फॉलो करें कि अगर हमें 6 आवर्स पढ़ना है तो हम 1 आवर टीवी देखें, 2 आवर, एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके थ्रू आप उस टाइम टेबल को फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने एंटरटेनमेंट की चीजों को भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करके रखिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे कि आपको पता है कि पहले हमारी डिश टीवी हुआ करती थी, कनेक्शन वाले भैया आते थे, डिश लगा जाना भैया, तो वो शाम को आके डिश लगाए तो हमें उन्हें पे करना पड़ता था। लेकिन अब तो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इतना हाईटेक हो गया है, हमारी
हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, हमारी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो गई है, पढ़ाई इतनी अच्छी होती जा रही है कि अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी ट्रांसफर होती है वन प्लेस से अनदर प्लेस है, तो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही हमारा टीवी का रिचार्ज भी होता है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसके बाद है हमारा ईमेल्स। ईमेल्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है और ये हमारा मोस्ट मॉडर्न एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आज के मॉडर्न जमाने के लिए हमारे ईमेल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारा इकोनॉमिकली और एसेसिबल है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ एक्सपेंड नहीं करना पड़ता हमको, इसमें हमारा कोई ज्यादा पैसे नहीं जाते। हाँ, अगर हमारे पास नेट हो तो हम इजीली विद इन सेकेंड्स हम अपने मैसेज को, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, हम किसी डॉक्यूमेंट को या जॉब एप्लीकेशन को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। विद इन सेकेंड हमारा जो ईमेल है वो चला जाता है और ये कहीं पर भी हम इसे इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ही प्रोफेशनली यूज किया जा रहा है आजकल के डेज में हमारे यंगस्टर, सबसे ज्यादा ईमेल्स हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज में सबसे ज्यादा यूज, मतलब आजकल ऐसी कोई भी वर्किंग प्लेस नहीं होगी जहाँ पे ईमेल्स यूज नहीं होते। ईमेल से हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही मॉडर्न हो गया है, बहुत ही इजीएस्ट हो गया है और हमारा काफी ज्यादा मॉडर्न हो गया है। तो ईमेल एक हमारा ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम एक अच्छे कंटेंट को हम इजीली दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।